श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। हरियाणा में आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने जा रही है। ये बैठक सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें मानसून सत्र की योजनाएं भी शामिल हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एनसीपी ने कसी कमर। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार आज से जन सम्मान यात्रा शुरू करने वाले हैं और 31 अगस्त तक पूरे महाराष्ट्र, उत्तर, विदर्भ और पश्चिम में यात्रा का आयोजन होगा। बता दें कि जन सम्मान यात्रा के जरिए अजीत पवार सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से चर्चा और बैठक करेंगे। हर 2 महीने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक होती है। बीते कल इस वित्त वर्ष बैठक हुई, वहीं इस बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान आज यानी कि 8 अगस्त को आरबीआई गवर्नर द्वारा किया जाएगा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस आज यानी 8 अगस्त को नीट पीजी परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड रिलीज करेगा। बता दें कि नीट पीजी परीक्षा का आयोजन 11 अगस्त 2024 को पूरे देश में विभिन्न सेंटर्स पर किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। वे अभ्यर्थी जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वह आज आवेदन कर लें। आज आवेदन करने की अंतिम तिथि है। चनपटिया और साठी स्टेशन के बीच एनआई कार्य के चलते आज भी मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है और कई ट्रेनों के मार्ग पर परिवर्तन किया जाएगा। केंद्रीय पीएसयू और महारत्न कंपनी गेल लिमिटेड ने केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, टेलीकॉम, बिजनेस असिस्टेंट और फाइनेंस एंड अकाउंट्स में कुल 391 पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया आज यानी 8 अगस्त की सुबह 11 बजे से शुरू होनी। एमपी के मैहर जिले में अब असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को भी राशन का लाभ मिलने जा रहा है। बता दें कि कलेक्टर रानी बाटड ने सभी जनपद पंचायत के सीईओ और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को 8 अगस्त तक सभी पात्र हितग्राहियों का पंजीयन अनिवार्य रूप से करवाने के निर्देश दिए थे। एस्थेटिक इंजीनियर्स आईपीओ आज सदस्यता के लिए खुलेगा और 12 अगस्त को बंद होगा। इसके जरिए कंपनी 26.47 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। बता दें कि कंपनी इस आईपीओ में 45.64 लाख शेयरों को ऑफर सेल के तहत जारी करेगी। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। आज पूर्वी के साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में बादल झमाझम बरसेंगे। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन साल 1549 में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। आज ही के दिन सन 1864 में जिनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन सन 1908 में शास्त्रीय संगीत गायिका सिद्धेश्वरी देवी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। आज ही के दिन सन 1947 में पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी थी। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।